हाय फ्रेंड्स, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेबिसिप एल कैप्सूल वर्सेस पेंसेक एल कैप्सूल का रिव्यू। दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। रेबिसिप एल कैप्सूल में है रेबेप्रोजोल और लिवोसल्फराइड। रेबेप्रोजोल 20 मिलीग्राम है और सस्टेन रिलीज लिवोसल्फराइड है 75 मिलीग्राम। और पेंसेक एल में है पेंटाप्रोजोल एंटरिक कोटेड और लिवो सल्फराइड 75 मिलीग्राम, यह है सस्टेन रिलीज। दोनों की यूजेस सेम है, दोनों की कंपनी भी सेम है, मगर जनरेशन में फर्क है। ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये पेंटाप्रोजोल, ये सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, सिर्फ जनरेशन में अंतर है। दोस्तों, यह बहुत ही गुणकारी है, रिजल्ट बेमिसाल है। दोनों को भी जेलेटिन की स्मेल नहीं है, जिसके कारण निगलने में आसानी होती है। दोनों भी एम्प्टी स्टमक लेते हैं, मगर सबसे ज्यादा किफायती रेबेप्रोजोल है। रेबेप्रोजोल विथ लिवो सल्फराइड की ये रेबिसिप एल कैप्सूल। यो आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जोलिंगर्स एलिसन सिंड्रोम, हाइपरसेक्रेटरी कंडीशन जैसे कि एसिडिटी, ड्यूडोनल अल्सर, गर्ड, इरोसिव और अल्सरेटिव गर्ड के इलाज में फायदेमंद है। इसकी कॉस्ट है 165 रुपीस और इसकी 104 रुपीस। दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी कैप्सूल है, इसे डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये रहा दोनों का कंपेरिजन रिव्यू। सिर्फ जनरेशन में अंतर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।